कौन दादा है? जय श्री राम। कौन सा गाड़ी दे रहा था? दादा है काय दे रहा तो आज शांत ने बाल लाल करवा ला है अपने। एक गाड़ी चढ़ा दे रहे पे। हाँ भाई चढ़ा दो तुमको। वेलकम वेलकम बैक दोस्तों। सुबह के 4 बजे और मैं उठा था पानी पीने के लिए। मैंने देखी कुछ नई सी चीज़, एकदम से ठंड आ चुकी है। ये कोहरा जो देख रहे हैं अभी अभी देखने को मिल रहा है, एकदम से मौसम में बदलाव। तो सॉरी बालकनी नहीं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनकी कल में छांटनी है इसलिए इन सबको इस साइड में करना है। तो चलिए अब हम ये करते हैं ये काम। तो फाइनली हमने काम पूरा कर लिया है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो ये हमारी दिन की थोड़ी बार रूटीन है। ये हम देसी जिम बनाए हुए हैं, थोड़ा बहुत करेला वगैरह रखे हैं, डंबल रखे हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। यही सब करके थोड़ा बहुत हमारा शरीर हमेशा तो जिम से ही फ्री हो गए हैं। थोड़ा और घर का काम है, चलिए करते हैं और कम समय में आपको चीज़ें दिखाएंगे ब्लॉगिंग में। तो अब हम रेस्ट करके थोड़ा काम करके फ्री हो गए थे, तब तो हमने सोचा वो अपना शेक बना दें, जिसके लिए हमें दूध ले लिया है। दूध को नीचे लेते समय एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, ये मलाई हमारे पास नहीं आनी चाहिए, इससे फैट भी बढ़ता है। लेकिन ये मलाई मम्मी के काम की है, जिससे घी निकल जाता है, तो इसको खाने की इजाज़त है पर हम खुद ही नहीं खाते क्योंकि हमें फैट नहीं बढ़ाना है। ये रही हमारा चॉकलेट और किशमिश और हमारा दूध कंप्लीट। और अब हमने की कंघी और लग गई हमारी क्रीम। चलिए चलते हैं। नहा धोकर तैयार ही हो रहे थे, हमारे पास एक कॉल आया है कि गए जो कि उठ नहीं पा रही, तो चलिए हम उसका रेस्क्यू भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं शांत को। आ गए हैं मंदिर, जो कि हम नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि से कुछ चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो कि भगवान की भक्ति। तो टीका लगा के मंदिर से हम फ्री हो गए, अब हम चल सकते हैं रेस्क्यू के लिए। चलिए चलते हैं। शांत शांत। तो फाइनली गाइस शांत भाई घर ही में मिल गए हमें। आज शांत ने बाल लाल करवा ला है अपने। कहाँ जा रहे यार तुम, जी लाल माल बाल करा रहे, बड़े खतरनाक लग रहे तुम। तो हम आ गए अपनी गौ चिकित्सा। तो ये और भी पेशेंट है हमारी गौशाला में, चलिए और दिखाते हैं आपको। क्या हुआ आप रात खिला रहे? अच्छा क्या हुआ? एक अच्छा बुखार आ गई गाय। तो यू आर भी पेशेंट हैं जो कि हमारी गौशाला में हैं ऑलरेडी पहले से, इन सब की सेवा चल रही है। खैर आप लोग दुनिया के ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कराते हैं, हम लोग को तो गाय को कराएंगे, आप लोग देख के इग्नोर कर देंगे। और नहीं है ऐसा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ये हमने अपनी रेस्क्यू टीम का डब्बा, तो यही होगा है जिसका हम रेस्क्यू करने आए हैं यहाँ पे। हफ्ता से खड़ी नहीं हो पाई है इसलिए इसका हम लोग रेस्क्यू करने आए हैं। तो ऐसे ही भाई लोग हमें मिलते जाते हैं हमेशा हमारी मदद के लिए।
बाटल में, तो फाइनली लग गई उसे बाटल। ये रही हमारी दवाई की कुछ किटें, पूरा लेकर चलते हैं। गाय का पेट भी काफी फूला हुआ है। हम फ्री हो गए, हम चलते हैं उठा शांत अपना डब्बा अपन चलिए। तो ये हमारे जो साथी रहे, इन्हें हम मदद की चाह रहे हैं, उस गाय की सेवा की। इन्हें इन्हीं के माध्यम से हम आ पाए थे। एक भाई फिलहाल हमें जानकारी देकर अपनी ITI करने चला गया, अब हम भी चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों इसके बाद हम आ गए बसे। इसके बाद हमें मिल गए चंगू भाई, इनको हमने मंदिर तक ड्रॉप किया। तो ये है मंदिर जाते हैं, आज मंगलवार है, अभी लड्डू लेने जा रहे हैं। ये सामने है मंदिर, हमारा स्टोरेज फुल हो गया था। फिर हम आए सत्यम के पास, अब BN से भाई ने BN डिलीट करने की सलाह दी। उसके बाद हमारा स्टोरेज खाली हुआ, अब हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। चलिए थोड़ा और इससे फोटो ले ले, जो अपनी शोभा यात्रा की थी, सॉरी दशहरा की थी और रात्रि भ्रमण की थी, और कुछ फोटो साउथ लुक की थी वो भी ले लें। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। हमारे पास फिर से 15 दिन पुराना केस आ गया है, हमको फिर से शांत को उठाने के लिए आना पड़ा है। जो गैया काफ़ी परेशान कर रही है, पकड़ में नहीं आती, आज फिर से उसको पकड़ने का प्रयास जारी है। भाई गई है फिर से, अरे आवाज देख नहीं पड़ रहे, भयंकर फोन आ रहा है। हम लोग फिर से नाकाम हो गए हैं गाय को पकड़ने में, उसके पीछा करते हुए जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, एक बार और ट्राई मार के देखते हैं। यही वो गाय है जो मैं 15 दिन से छगाए हुए, इसका सींग टूटा हुआ है, जिसकी खबर हमें रोज अब मिलती रहती है, ये पकड़ में नहीं आती। अरे भाई ऐसे ही परेशान कर रहे थे यार, बहुत भग गई हो, रहन दो बनिया है वह। हर वीर ऐसे इंजेक्शन खराब करवाते हैं। तो शांति इस बार भी नाकाम रहे हम पकड़ने में, इंजेक्शन वगैरह सब लोड कर लिया था, लेकिन वो गाय काफ़ी दूर से डर जाती है और हम लोग के हाथ में भी नहीं आती, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ये अंदर ही घुसेड़ लोग हैं, रगड़ो 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 थोड़ी ऐसा डर। तो फाइनली गाय फिर से गई आ गई है, शांत थोड़ी पीछे हो जा। जा शांत, जा जल्दी, हम गेट लगा रहे हैं, जा जल्दी गेट लगा रहे हैं। तो बस चल जा, ए लगा वही साइड है, वही साइड खड़ो रहिए। कहाँ से जाओ, गेट बंद है, कहाँ से जाओ, बंद कर लो ना को साइड से। तो साथ ही आज सभी की मदद से इसे हमने गौशाला में, जो हमारी गौ चिकित्सा है, इसको वहीं पर घेर लिया है, और अभी हमारे जंगलों में आ गई है, और सारी टीम गौशाला की है आज इसको पकड़ के छोड़ेगी। बस अब तो फंस गई, अब पैक। तो ये सभी साथियों ने हमारी मदद की है, जिनके सहयोग से हम पकड़ पाए हैं ये गाय। काफी 15 दिन से हम लोग को हैरान परेशान करे हुए थी, जो कि आज पकड़ में आ गई है। गौशाला की हमारी जो भी भसा बचा हुआ उसका रखा हुआ है, आपके सहयोग के हम नहीं पकड़ पाते, आप लोग भी ऐसा सहयोग हमें करते रहें। जय गौ माता की जय। श्री राम, थोड़ा और अपडेट आपको दिखाते हैं। बिहार बना पहले, बिहार बना पहले, बिहार।
व्यवहार बना भैया, वैसे ही बहुत मुश्किल में आई है वह काई जान। 15 दिनों से कैसे परेशान कर रही है अपन के। अरे अब तो आ गई। पकड़ चुके हैं शांत शांत। दो मिनट तुम बताओ खबर ने कितनी मुश्किलों का सामना करो। 15 से 20 दिन होगा। कितने फोन आए होंगे काज अपने पास। जाके पकड़ी वही कह रहे हैं बताइए। आपको लग रहा होगा कि हम ब्लॉग के लिए इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन जो लोकल के नगर के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान थे और वो लोग भी इसके लिए हमें रोज फ़ोन लगा देते। और फाइनली आज ये बड़ी मुश्किल में हम लोग पकड़ पाए। से काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत परेशान हुए हैं और बहुत जो सींग है वो सड़ गया है, तो वो भी काफ़ी बसा रहा है। मैं अब आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, चलिए कुछ और नया चलते दिखाते, उसकी सेवा वो हो जाएगी। तो ये हमारा नन्ना जावास देखिए किस तरह से चाट खा रहा है। ए अरे कौन है गाली दे रहा होता है? कौन दादा है? जय श्री राम। कौन है गाली दे रहा होता है? दादा है। काहे दे रहा होता तो पैसा काहे? चाट कौन के पैसा में खा रहा होता? अपने पैसा में खा रहा। कमाल लगो तो पैसा भाई से। वाह वाह वाह। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों शाम का समय है और दिन भर काफ़ी कुछ व्यस्त रहे। आज बहुत दिनों बाद नवरात्रि लगी हुई थी, तो थोड़ा जहाँ जहाँ जैसा कई जगह जाना है, आज काम भी है, तो अभी हम लोग गोटे गांव के लिए जा रहे हैं। चलिए तो चलते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं, आए थे, खाना पीना खा के फिनिश हो गया है। काफ़ी अच्छा है, चिली पनीर फेमस है, उसके लिए हम लोग रुके हुए थे और जो कि फिनिश हो चुका है। और हमारा भाई अभी तक लगा हुआ खाते हुए। बस 9 बज ही गए हैं, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। और अपन का दस बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहे गाइस, मज़ा आ रहा है ना ब्लॉग देखने में। गाइस हम वापस अपने सैपर आ गए हैं, हमारे पास एक बाटी भरता का निमंत्रण था, थोड़ा उसको अटेंड करने जा रहे हैं। वैसे अभी हम खाना खा के आए हैं, लेकिन सबके मन रखने के लिए एक आधी बाटी खाना पड़ेगा, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ जय श्री राम। पानी वाली गिलास भाई साहब, सब कोई को भंडारा मिलेगा, भंडारा एक गोबर डलवा है दिल के लिए। यहाँ ये सभी ढीट आठ भी सभी हमारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे बाटी भरता का प्रोग्राम चल रहा है, तो सब जैसे हम खा के आए यार भाई, खाते हमने खा। ये मेहनत करने वाले ये खड़े साइड में, ये सभी हमारा इंतजार कर रहे थे। फाइनली पहले हम खा के आए हैं, सुबह भी हमने बाटी भरता से ओपनिंग की थी खाने की, और अभी भी रात में भी बाटी भरता का जुगाड़ है, लेकिन हम अभी अभी खाना खा के आए हैं तो हम नहीं खा पाएंगे। जय श्री राम। बैठ जाइए खा लो है, और जो भी मतलब मैं मोपलेस बाजी कर रहा है, जो
बिल्कुल बना ले वीडियो, लेकिन हम बिना खाए नहीं जानते हैं। अरे हम खा के आए हैं भारत का भाई, सही बात है। हम बैठे हैं, हमने खा भाई, एक गाड़ी चढ़ा दे रहे पे। हां भाई जब चढ़ा दो तुम तो चढ़ा दे पे गाड़ी, तैयार है, मर तैयार, बिना खवाए ना भेज, चढ़ा दे गाड़ी, चढ़ा दे। एक 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 भैया ने नहीं खा भाई, हम जबरदस्ती खवा रहे हैं अपने प्यार जी दो। अरे आलू आ रहे, आलू आलू आलू, इतना ज्यादा प्यार था, आधी पार्टी खानी पड़े। आपने देखा सामने गाड़ी के सामने लौटने लगा था, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं लोग हमरे अंदर। तुमने डाल पाता था छोटी सी गली है, खैर इसी प्यार प्यार में रुपन जहर खा रहे हैं जो पार्टी है। कितना प्यार करते हैं लोग, आप लोग कब कर रहे हैं हमारे ब्लॉग को प्यार, और कब कर रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब से। तो ब्लॉग को हम दे रहे हैं अब आराम, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या अच्छा लगा वो भी जल्दी जल्दी बताएं। बाय बाय, गुड नाइट।